जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम के अंदर आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चालू है। इस समय राजनीति और सामाजिक मुद्दों को लेकर के कई तरह के लांछन एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जवाहर यादव का नाम है। साथ ही साथ इसमें एक व्यवसायी गुड़गांव के बिल्डर सोम मुंजाल का नाम भी घसीटा जा रहा है। इस बारे में अजय भारत ने सोम मुंजाल से जब विनोद नंबरदार चक्करपुर के आरोप जो लगाए गए हैं उनके बारे में बात की, तो अजय भारत मीडिया से सोम मुंजाल ने खुलकर बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से विनोद नंबरदार ने उन्हें प्रताड़ित किया है और काफ़ी समय से उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, उनमें कोई दम नहीं है, जिसके बारे में लिखित शिकायत वह सीपी गुरुग्राम को भी दे चुके हैं। उस पर कार्रवाई जारी है। दूध का दूध पानी का पानी तभी हो पाएगा जब एक निष्पक्ष एजेंसी निष्पक्ष जांच करेगी इस मामले में। क्या हमारी बात हुई उनसे, क्या क्या मुद्दे रहे, देखिए एक खबर हमारे साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरे मामले पर देखिए, मेरा नाम सोम मुंजाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हमने एक कंप्लेन ज़रूर की है। विनोद कुमार नंबरदार हैं उनके अगेंस्ट में, जो कि हमने बहुत समय से प्रताड़ित कर रहे हैं, मतलब पीड़ित कर रहे हैं जी। सर किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या ये मामला है? देखिए, जो ये विनोद नंबरदार हैं, हम लोग एक रियल इस्टेट बिजनेस में एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें हमने 2012 में निवेश किया जी। और हमने निवेश किया था एक कंपनी की वी स्क्वायर बोल के, जिन जो डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी थी वो टर्न की बेसिस पे लोगों के प्रोजेक्ट करती थी। तो 50% की हिस्सेदारी उनकी कंपनी की थी इस प्रोजेक्ट कंपनी में, और 50% हमारी हिस्सेदारी थी। 2012 मार्च फरवरी मार्च में हमने वो कंपनी बनाई उनके साथ मिलकर। फिर अक्टूबर 2012 में उन्होंने अपनी कंपनी का, जो उनकी 50% हिस्सेदारी वाली कंपनी थी, उसका 40% विनोद कुमार को बेच दिया। और विनोद कुमार जब 40% हिस्सेदारी उन्होंने ली, तो वो हमारे से नहीं ली, वो उनकी कंपनी में ली, तो हमारे साथ ना उनके कोई समझौता ना कोई लिखित, ना हमारे साथ कुछ नहीं था, वो दूसरी कंपनी में हुआ जो भी हुआ जी। और हमारे कंट्रोल के भी बाहर था, हमारी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं थी, ना हम विटनेस थे। और 2015 में वो बेच के चले गए, वही शेयर उसी कंपनी को, उन्हीं लोगों को जिनसे खरीदे थे उन्हीं को बेच के वो चले गए। तो जब वो चले गए तो 2016-17 में वो कंप्लेन करते रहे कि भाई मुझे पूरे पैसे नहीं मिले। और जो कंप्लेन करते थे उसमें वो अपनी कंपनी की, जिन्होंने उनसे खरीद बेच की, उनका नाम तो डालते ही डालते थे, साथ में हमारा नाम भी डाल देते थे। तो वो सारी कंप्लेन बंद होती रही, मतलब जब भी वो कंप्लेन होती हम जाते, अपना पक्ष रखते, अपने कागज़ दिखाते, उनके कागज़ जाँचे, जब जाँच की जाती तो पाया जाता कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हर कंप्लेन उनकी बंद होती गई। बट 2020 में उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलके, जो ऑफिशियल्स के साथ मिलकर के एक FIR वो दर्ज करवा पाए उन्हीं मामलों पे, मतलब उसी केस में, उसी कंप्लेन में जिससे पहले क्लोजर हो गया था कि केस नहीं बनता। उन्होंने FIR करवाई जिसमें उनके पार्टनर का नाम तो था ही था, साथ में उन्होंने हमारा नाम भी डाल दिया, जिसके चलते हम पर मतलब अत्यधिक प्रेशर रहा, यू नो, पुलिस का, प्रशासन का। इनफैक्ट सो मच सो कि जो हमारे जो मेरे पार्टनर, मेरे जीजा जी मेरे से बड़े थे, उनको मतलब 28 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी रहना पड़ा। सर जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी मानसिक रूप से आपको परेशान किया जा रहा है विनोद नंबरदार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आपका नाम जैसे कि उछाला जा रहा है उनके द्वारा, तो आपने कहा कि डायरेक्टली आप इन्वॉल्व नहीं है उनके किसी भी कंप्लेंट के अंदर, और फिर भी आपको परेशान किया जा रहा है, तो प्रशासन से क्या मांग है आप? देखिए, प्रशासन से तो मेरी इतनी ही मांग है कि इस मामले में बिना किसी फेवर के निष्पक्ष जांच कराई जाए, अच्छे ऑफिशियल से, समझदार ऑफिशियल से, क्योंकि कंपनी का मैटर है। बहुत बार जो हमारे IOs इन्वेस्टिगेट करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है। हालांकि मैं बताना चाहूँगा, इस रिकॉर्ड पर भी लाना चाहूँगा कि NCLT जो कंपनीज के डिस्प्यूट्स की विशेषज्ञ है, उसमें भी हमें कंप्लीट रिलीफ
मिला है उनका केस डिसमिस हो गया है, हमारे अगेंस्ट कुछ पाया नहीं गया है। तो मैं तो यही चाहूंगा प्रशासन से कि निष्पक्ष निष्पक्ष जांच हो और यू नो हमें न्याय मिले। सर अभी जो कल आपने सीसी मैडम को कंप्लेंट दी है उसमें क्या मुख्य मुद्दे आपने उनको बताए? देखिए मैं ऐसी क्योंकि वो एक बार FIR कराने में सक्षम रहे या वो करा पाए FIR जैसे भी करके, हालांकि उस FIR में भी हमारे नाम अब निकाल दिए जा चुके हैं। यू नो एक योगेश जी जिनको जुडिशियल कस्टडी में ले गया था उनका नाम अभी नहीं निकला है और वो भी हमने क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में डाला हुआ है जिसमें हमें फेवरेबल जजमेंट मिलेगी आई एम श्योर। लेकिन जब मैं री इन्वेस्टिगेशन के लिए यू नो कमिश्नर मैम से मिला तो यू नो उनका भी ये क्वेश्चन था कि भाई क्या आपने कभी कंप्लेन की, क्या आपने कभी कुछ उनके अगेंस्ट एक्शन लिया? तो हमने एक कंप्लेन पास में की थी जिससे कुछ ज़्यादा असर नहीं था और हम भी बिजनेसमैन लोग हैं, हम लोग परेशानी में नहीं पड़ना चाहते, हम तो अपना शांति से काम करके यू नो गुजर बसर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट बहुत बहुत 400 लोगों का प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं है, यू नो सबकी निवेश है और बहुत कस्टमर्स हमारे साथ रहे क्योंकि 3-4 साल के लिए बंद था प्रोजेक्ट, यू नो हमने किसी तरह से इसको कंप्लीट किया है। तो हम चाहेंगे कि प्रशासन हमारी मदद करे इसको, जो जो लोग इनके इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स हैं उनको उनका ड्यू मिले और सब लोग खुशी खुशी अपना बसर करें। सर क्या लगता है आपको कि प्रशासन से क्या उम्मीद आप की जा सकती है कि फेयर इसमें बस फेयर बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, हमें बिल्कुल किसी इन्वेस्टिगेशन से डर नहीं है। जगह जगह हमें बुलाया जाता है, कई बार कोई उच्च अधिकारी बुला लेते हैं, कई बार यू नो कोई मंत्री बुला लेते हैं कि भाई ये क्या मैटर है, हम जाके अपना पक्ष रख के आते हैं और हर जगह हमें हमें मिलने के बाद यू नो यही पाया जाता है कि हमारा कोई लेना देना। जैसे कि सर सुनने में आया कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस विनोद नंबरदार के द्वारा की गई थी जिसमें कि आपका नाम हवाला कारोबारी के रूप में उछाला गया था, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर वो कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब वो तो आई मीन ऐसे बेबुनियाद कुछ भी बोलने से तो कोई उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है।